तो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एसआईटी की टीम पहुंची है, आज गिरफ्तार हुए आरोपियों को लेकर मोहसिन और आरफ को लेकर के कोर्ट पहुंची है एसआईटी की टीम। अधिवक्ताओं ने इस दौरान भारी आक्रोश जाहिर किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों को पेश किया गया। हाई सिक्योरिटी के बीच में दोनों को पेश किया गया, चूंकि ना सिर्फ आम जनता में, अधिवक्ता जो वहां पर मौजूद थे, कोर्ट परिसर में जो मौजूद थे, उन सभी लोगों में भारी आक्रोश इस घटना के साथ में जैसे ही जानकारी सामने आई एक तरीके से आग की तरह फैलता गया। और अधिवक्ताओं ने भी भारी आक्रोश इस दौरान अपना जाहिर किया। पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा, हाई सिक्योरिटी वहां पर तैनात है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी रवि इस वक्त उदयपुर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, देखिए सभी के जहन में आक्रोश है, गुस्सा है इस कृत्य को लेकर के, और ऐसा ही दृश्य जब देखने को मिला जब कोर्ट लेकर के पहुंचे आरोपियों को, अधिवक्ताओं ने भी इस पर रोष जाहिर किया। स्तुतियां वहां पर किस तरह की बनी उसके बाद? बिल्कुल, देखिए जयती, दरअसल अभी जो है थोड़ी देर पहले ही एसआईटी की टीम जो है आज सुबह जो गिरफ्तारी शो करी जिन दो आरोपियों की, जिसमें एक मोहसिन और एक आरिफ नाम के दो बंदे हैं, इनको लेकर आज एसआईटी की टीम ने यहां पर कोर्ट में पेश किया है इन दोनों को। और इस दौरान जो है काफी तादाद में यहां पर कोर्ट परिसर में गहमा गहमी काफी पहले से ही थी, और काफी बड़े पुलिस जाब्ते के साथ में इन दोनों को पेश करने के लिए लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कल जब दो जो मुख्य आरोपी थे जिनको की जो कन्हैयालाल के हत्यारे हैं दोनों, उन दोनों को जब यहाँ पर पेश किया था उस दौरान वकीलों ने काफी रोष व्यक्त किया था, नारेबाजी की थी। और आज इसी मामले से जुड़े हुए जो दूसरे जो दो आरोपी हैं उनको भी जब यहाँ लाया गया है, और उस दौरान अधिवक्ता जो है खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कल ही बार एसोसिएशन इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है कि आरोपियों की, किसी भी आरोपी की ओर से कोई पैरवी नहीं करेगा स्थानीय अधिवक्ता। तो आज इस मामले में जितने भी आरोपी अब तक राउंड अप हुए हैं, दो आरोप जो मुख्य आरोपी थे उसके अलावा कुल पांच लोगों को और हिरासत में होने की बात थी, जिसमें से दो की गिरफ्तारी आज शो की है। तो कुल मिलाकर जिन भी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है, इस पूरे मामले से रिलेटेड लोगों में, आम जनता में, अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। यही वजह है कि जैसे ही सूचना मिलती है काफी तादाद में लोग और इसके अलावा अधिवक्ता जो है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं, और अभी इनको दोनों, ये जो दोनों है, इनकी पेशी हो रही है। जी बिल्कुल रवि, और विरोध का ही एक रूप ये भी है कि उदयपुर में भी किसी भी वकील इनके केस तक को लड़ने से इनकार कर दिया। इनके पास में अब कोई वकील भी लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा जो कृत्य है इसे कोई भी अपना समर्थन देना क्यों ही चाहेगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है पूरे मानवता को झकझोर के रख दिया इस घटनाक्रम ने, और जिस तरीके से कम्युनल टेंशन जो इस पूरे घटनाक्रम के वजह से बढ़ी है, इस सब की वजह से आम जनता में खासा आक्रोश है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़े हुए हों, किसी भी धर्म और समाज के व्यक्ति हों, कोई भी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोई भी मजहब भी इस तरह की घटनाओं को कभी सपोर्ट नहीं करता। हिंसा किसी भी मजहब में जो है स्थान नहीं रखती, इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सभी तरफ से इनका जो है घोर इनकी निंदा की जाती है इस तरह की घटनाओं की, और यही वजह है कि आम जनता हो, अधिवक्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की घटनाओं को लेकर मन में रोष होता है। और इस रोष की परिणति ये है कि ऐसे अपराधियों की कोई जो है पैरवी नहीं करना चाहता, कोई उनको अपना समर्थन नहीं देता, और ऐसे में इस तरह की घटनाओं के दौरान जब आरोपियों की पेशी हो रही है तो लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रवि, अब देखिए केस पूरी तरह से ट्रांसफर एनआईए के पास हो गया है, एप्लीकेशन एक सेशन कोर्ट में है इस वक्त, उसके बाद में जो ट्रांजिट रिमांड है या फिर दिल्ली ले जाने तक का सफर इन आरोपियों को, क्योंकि आगे की तहकीकात वहीं पर होगी, कब तक हो सकता है ये? बिल्कुल, देखिए जयती, जो दो आरोपी मुख्य जो दो आरोपी थे जिनको की न्यायिक अवरक्षा में भेजा था, उनको तो कल देर शाम को ही जो है सेंट्रल जेल अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था। ये जो दो आरोपी जिनको की, और अन्य जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया है, उनकी अभी पेशी हो रही है। बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।